सोशल मीडिया पर अफवाहों के भी वायरल होने में वक्त नहीं लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ सिंगम स्टार अजय देवगन के साथ, जब उनके नाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जहां दावा किया जाने लगा कि अभिनेता की दिल्ली में एक पब के बाहर पिटाई हुई है। जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो फिर खुद अजय देवगन को सफाई देनी पड़ी। क्या है पूरा मामला? दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो दिल्ली के एक पब के बाहर का था, जहां दो पक्षों के बीच मारपीट होती दिख रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा अजय देवगन का बताया गया और देखते ही ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि दिल्ली में पब के बाहर अजय देवगन की पिटाई हुई है। वीडियो के वायरल होने पर अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऐसा लगता है कि मेरे जैसा दिखने वाला कोई शख्स मुश्किल में पड़ गया है। मेरे पास इससे संबंधित कॉल आ रहे हैं, केवल स्पष्ट कर रहा हूं, मैंने कहीं भी यात्रा नहीं की है। मेरे किसी भी विवाद में होने की सभी खबरें निराधार हैं। होली मुबारक। इस पूरे मामले पर अजय देवगन की टीम की ओर से भी सफाई आई है। अजय देवगन की टीम की ओर से कहा गया, बीते साल रिलीज हुई तन्हा जी द अनसंग वॉरियर को प्रमोट करने के लिए अजय देवगन साल 2020 में दिल्ली गए थे। इसके बाद से वो दिल्ली गए ही नहीं हैं। मीडिया में जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, उसमें अजय देवगन नहीं है। हम सभी न्यूज़ एजेंसी और मीडिया हाउस से प्रार्थना करते हैं कि वो फैक्ट को सही करें और लोगों को ठीक खबरें बताएं। अजय देवगन लॉकडाउन खुलने के बाद से लगातार मैदान, मेजे और गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।